भाजपा को सपोर्ट करने वालों की दुश्वारियों का अंत होता फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। कभी भाजपा को वोट करने पर तलाक दे दिया जाता है तो कभी भाजपा को सपोर्ट करने पर सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ भाजपा के तौबा करने की शर्त रखी जाती है। बरेली से एक और ताज़ा मामला प्रकाश में आया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी की तारीफ करने पर एक युवक को मस्जिद में घुसने पर रोक लगा दी गई और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। दरअसल बरेली के थाना बारादरी के मोहल्ला सैलानी के घर जाफर खान निवासी कामरान हसीब ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भक्त हैं। मोहल्ले में कामरान हसीब योगी और मोदी का गुणगान करता रहता है। कहता है कि योगी ने इतना गेहूं, नमक, चावल और रिफाइंड फ्री दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम का अवतार है, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण का यह वरदान है, जो कहता है राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और हम योगी को ही वोट देंगे। इस बात से पड़ोस में रहने वाले गुलफाम टीपू जैनुल ने विरोध किया और कामरान हसीब की डंडों से पिटाई कर दी, साथ ही उसके सर पर बंदूक के बट पर प्रहार भी किया। हसीब बोला, मोदी राम के अवतार हैं, योगी श्री कृष्ण के अवतार हैं, अपने आप को योगी का भक्त बताता है। कामरान को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसने अपनी आपबीती बताई। वहीं इस मामले में एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने कामरान मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कामरान ने तहरीर में कभी भी भाजपा को सपोर्ट करने पर पिटाई की बात को नहीं ट्विंकल है। क्या हुआ आपके साथ, पूरी बात जानना चाहेंगे। मेरे साथ ये हुआ कि मैं योगी जी की तारीफ करता हूँ, वो मोदी जी की और योगी जी की तारीफ करता हूँ और ये कहता हूँ कि मोदी जी जो हैं वो राम का अवतार हैं और जो हैं योगी जी जो हैं वो कृष्ण का अवतार हैं और ये देश को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। जैसा हमारा देश सोने की चिड़िया था वैसे ही बनाएंगे, उनका दिया हुआ अनाज भी खाएंगे और उनको गालियाँ भी बकेंगे। अनाज भी खाते हैं और गालियाँ भी बकते हैं और यही चीज़ देखने के बाद मुझे यही बात करने के बाद, क्योंकि ये कहते हैं कि तुम मोदी जी की तारीफ़ क्यों करते हो, योगी जी की तारीफ क्यों करते हो, इसीलिए मुझे इन सबों ने मारा। कौन लोग हैं जिनने आपको मारा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये आगे पैराडाइज के आगे रहता है गुलफाम और उसका नाम है मन्नू, यूनिवर्सिटी में वो टीचर है और वो रिश्वत बहुत लेता है वहाँ पर। वो जब आप मस्जिद में जाते हो तो वो क्या कहते हैं आपसे? बोलो, वो तो कहते हैं कि आप मुसलमान हो ही नहीं। क्यों? क्या आप मस्जिद में आते हो, योगी जी की मोदी जी की तारीफ़ करते हो, ये गाते हो कि दुनिया चले ना तेरे नाम के सिवा, ना योगी के सिवा, ना मोदी के सिवा, ना योगी के सिवा। आपके संपर्क थाना बारादरी के अंतर्गत कामरान जो एक वादी हैं, इनके द्वारा अपने प्रतिवादी जो उनके रिश्तेदार लगते हैं गुलफाम टीपू और जैन, उनके ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें ये बताया गया कि इनके द्वारा इनके साथ रास्ते में मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल ही 323/506 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो वादी है उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया था। वादी के द्वारा जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो अलग तरह की बातें बताई गई उनका उल्लेख वादी के द्वारा अपनी तहरीर में नहीं किया गया था। पुलिस के द्वारा वादी से संपर्क किया जा रहा है और जो वादी के द्वारा कुछ अन्य बातें बताई गई उनको क्लेरिफाई किया जा रहा है और साक्ष्य के आधार पर उनका विश्लेषण करके पुलिस के द्वारा इसमें निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई की जाएगी।